दोस्तों नमस्कार, और मल्टी ट्रेंड में आपका स्वागत है। और आज हम आपको नई साइट पे लेके आए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरे फ्लोर पे किसान का काम चल रहा है, तो हमने एक वीडियो देखी थी स्टोन फिक्स के नाम से, जो कि उनसे हमारी बात भी थी मिस्टर मुकेश जी। तो आइए हम उनसे मिलाते हैं, उनका काम ही ये पत्थर स्टोन का ही है। तो आइए मिलाता हूँ आपको मैं। और जी मुकेश जी कैसे हैं? और तो सर मैं अभी आपकी हमारी सर की बात हुई थी, इस वजह से हम फिर मिलने आ गए थे सर से कि भाई पत्थर कैसे लगाया जाता है, कैसे क्या, उसके बारे में पूछेंगे। तो मल्टी टैलेंट बॉय में आपका स्वागत है मुकेश जी। जैसे कि अभी ये पिन्नी लगी है, मैंने मतलब इसका कुछ समझा नहीं कि पिन्नी क्यों लगा दी है इसके अंदर। पिन्नी सर हमने इसलिए लगाई हुई कि सबसे पहले मैं आपको स्टोन के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारा ये व्हाइट मार्बल है, माइकल एंजेलो स्टोन है ये, तो इसमें हम क्या करते हैं कि स्लेरी वगैरह या कुछ भी ऊपर से हमने कुछ कचरा वचरा गिरा दिया है, या कोई लेबर मेसन खाना वगैरह खा रहे हैं तो उसमें सब्जी वब्जी का कुछ स्पॉट अगर छूट गया तो ये पिए ना पत्थर ऊपर से, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और पत्थर की पॉलिश खराब ना हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको पन्नी यूज करते हैं। इसमें जैसे हमने मार्बल फ्लोर में लगा दिया है, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि 2 या 3 राउंड की घिसाई करवा देते हैं। घिसाई करने के बाद जो है हम इसमें प्रोटेक्शन केमिकल यूज करके ताकि उस पर कुछ भी मतलब गंदगी वगैरह ना जमे ना लगे या जॉइंट वगैरह क्रैक में ना जाए। बाकी हम फिर अपना ये पन्नी वगैरह इसमें पैक कर देते हैं। तो अभी जैसे हम कर रहे हैं गंदे हैं जूते या कुछ भी हैं तो इसमें पत्थर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से है। और फाइनल घिसाई से पहले हमारी पन्नी तो जो ये कटाई हो रही है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कटाई हो रही है, थोड़ा जूम करके दिखाइए यहाँ पर इस जगह पर। ये जो है अभी इसमें कटाई हो रही है फर्स्ट से लेकिन थर्ड राउंड, जैसे ये कटाई वगैरह आप देख रहे होंगे यहाँ पे जी, तो ये कटाई का ही मलबा है। कटाई वगैरह होके इसमें उसके बाद प्रॉपर क्लीन इसको करके हम और देन उसके बाद प्रोटेक्शन केमिकल लगा के फिर हम इसमें सेम जैसे हमने इस एरिया में पन्नी लगाई हुई सेम इस एरिया में भी पन्नी लगा प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो पत्थर है ये पत्थर केमिकल से लगाते हैं या बदरपुर वगैरह सीमेंट से लगाते हैं, कैसे पत्थर? देखो सर आपका पत्थर आपका केमिकल से भी लग सकता है और डस्ट से भी लग सकता है। अगर केमिकल की मैं बात करूं तो केमिकल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे स्लैब हमारी ढल गई है और पत्थर के लिए हम इसमें लेबलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो लेबलिंग से पहले हमें क्या करना पड़ता है उसमें स्क्रीडिंग वगैरह करनी पड़ती है, यानी प्रॉपर लेवल में बिल्कुल डस्ट का मोर्टार वगैरह जीरो रोड़ी का मोर्टार वगैरह डालना होता है, स्क्रीडिंग करनी होती है बिल्कुल लेवल में। उसके ऊपर जो है फिर हम केमिकल से अप्लाई कर सकते हैं पत्थर को, यानी केमिकल हमारा 12 से 15 mm मैक्सिमम इतना होना चाहिए, 10 से 12 mm इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉस्टली होता है केमिकल। जी जी, उसके ऊपर लगा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा मोर्टार में लगाने का, यानी अगर स्क्रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, केमिकल हम यूज नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट मोर्टार से लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट खिया वगैरह लेबलिंग वगैरह करके और प्रॉपर मार्जिन के हिसाब से हमें पत्थर लगाना चाहिए। जैसे 4 एक का मसाला हम यूज करते हैं इसमें, नॉर्मली हम 5 एक का करते हैं और स्लेरी वगैरह डाल के वो 5-4 एक का हो जाता है, तो उसके ऊपर हम फिर पत्थर लगा देते हैं। तो मोर्टार में मोर्टार से भी लग सकता है और जैसा कि दोस्तों मुकेश जी ने बताया कि ये दोनों तरीके से लगता है, केमिकल से भी लगता है और मोर्टार मसाले से भी लगता है। और दूसरा ये कि मुकेश जी जैसे कि भी पत्थर जो लगता है, हमने देखा भी है कि जॉइंट में वाइट सीमेंट लगा देते हैं, तो जो रियल में जो क्या लगाया जाता है इसके अंदर, इसके जॉइंट के अंदर किस कंपनी का केमिकल लगाया जाता है? जॉइंट में जो है वाइट सीमेंट नहीं लगता है जी, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जॉइंट में कोई सा भी सीमेंट हम यूज नहीं करते हैं जी जी। प्रॉपर जैसे अपना मैंने आपको बताया कि व्हाइट मार्बल है, माइकल एंजेलो है, वो महंगा मार्बल है। इसमें हम जो है जॉइंट में 50-10 एक एक्मी का केमिकल आता है, जो फैट आता है उसका, एक उसमें रेजिन होता है और सेकंड उसमें हार्डनर होता है, तो उसको प्रॉपर हम कलर से मैच करके आप इसमें डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट मार्बल है और केमिकल भी आपका लगभग व्हाइट ही होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। प्लीज आप तो यहाँ से दिखाएंगे, इसमें आप जो है डायरेक्टली मतलब वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं जॉइंट पे, और आपको अगर कलर भी अगर आपका थोड़ा सा डार्क पत्थर है या कुछ अलग अलग थीम का पत्थर है तो उसमें एज पर आप स्टोन के कलर से मैचिंग करके उसको मिला के और फिर आप जॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़। तो उस जो आपके जो एक्मी लगाने के बाद में जो घिसाई होती है, घिसाई पे फिर जो आपने क्या बताया था, क्या लगता है घिसाई का प्रोटेक्शन जो लगता है क्या लगता है वो एक्मी का प्रोटेक्शन लेयर होती है, प्रोटेक्शन केमिकल होता है वो पत्थर को जैसे हमने इसमें कटाई कर दी अभी, अगर हम इसको फ्लोर पे ऐसे अगर छोड़ देंगे तो मान के चलो मैं भी आया हूँ अभी गंदे पैर से, आप भी आए, कोई और भी लेबर मिस्टर या कोई भी काम कर रहा है यहाँ पे, तो जॉइंट अगर हमारे जैसे घिसाई के बाद खुल जाते हैं सारे ये, हाँ हाँ,
ज्वाइंट को या कहीं से पत्थर क्रैक हो तो उसमें कोई गंदगी वगैरह ना जमे तो हम इसको क्लीन करके प्रोटेक्शन लेयर वो बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट कर देगा, ट्रांसपेरेंट होता है वो, उसको बिल्कुल पत्थर के साथ पकड़ करके वो लेयर बना देगा एक, तो उसके ऊपर आप चल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो पत्थर को मतलब नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुकेश जी, हम काफी टाइम से वीडियो बना रहे हैं आपस में और एक चीज मैंने नोट करी है कि काम चल रहा है अंदर। तो एक बार दोस्तों हम दिखाना चाहेंगे कि काम क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो मुकेश जी, जैसे कि अभी हम इस रूम के अंदर आ गए हैं, इस रूम में जैसे वहां तो पत्थर लगा हुआ था, अब यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर पत्थर लगना है, कुछ और लगना है? नहीं, यहाँ पे हमारा जो है पत्थर नहीं लगना है, यहाँ पे लगेगी हमारी टाइलें, और टाइल लगेगी कमर्शियल टाइल। जी जी। और रीजन इसका ये है कि इसमें जो है हमारा वुडन फ्लोरिंग का काम होना है। जी। जैसे कि आप इधर देख रहे होंगे बाहर पैसेज वगैरह, लॉबी वगैरह में सारे ड्राइंग रूम में हमारा स्टोन लगा हुआ है, व्हाइट मार्बल लगा हुआ, और यहाँ जो है हमारा वो लगना है अपना वुडन फ्लोरिंग लगनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अपना पैसेज भी यानी बाकी एरिया का जो भी हमारा पत्थर लगा हुआ उससे 14 mm डाउन करके हम इसमें कमर्शियल टाइल फिनिश कर देंगे लेवल। जैसा कि दोस्तों एक बार आप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये हमारा पत्थर लग चुका है, ये पत्थर लगा हुआ है, इससे हम जो है 14 mm डाउन करके अपना ये लगा देंगे, कमर्शियल टाइल लग जाएगी, है ना। मैं आपको दूसरे रूम में दिखा दूंगा कि किस तरीके से लगी हुई है, तो यहाँ पे हम वही लगाएंगे, यहाँ सारी वुडन फ्लोरिंग हमारी यूज होगी। तो दोस्तों यहाँ पर लगेगी वुडन फ्लोरिंग जैसे आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी जैसी बिल्कुल बिल्कुल, बगल वाले बेडरूम में देख सकते हैं वहाँ पे हमारी कमर्शियल टाइल लगी हुई है। चलते हैं एक बार दोस्तों नेक्स्ट रूम के अंदर। हाँ, ये वाकई में टाइल लगी और बहुत बढ़िया तरीके से लगी है, ये आप देख सकते हैं लग नहीं रहा कि मतलब कमर्शियल टाइल है। जी जी, ये 14 mm हमने डाउन इसलिए लिया क्योंकि इसमें दिखाओ, पहले जूम करके दिखाओ थोड़ा सही से उस जगह पर कि इतना 14 mm करीब छोड़ा गया है वुडन फ्लोरिंग के लिए, ये देख रहे हैं ना 14 mm डाउन। हाँ 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 हाँ। और 14 mm डाउन करने का रीजन ये है कि हमारा जो है 10 mm की वुडन फ्लोरिंग की थिकनेस है और 4 mm का मार्जिन हमने लिया उसकी फॉर्मिंग के लिए, ठीक है ना। तो टोटल हो जाएगा अपना 14 mm। और ये 2x2 की हमारी कमर्शियल टाइल लगी हुई बिल्कुल बाकायदा जॉइंट वॉइंट मिला के, कोई लोकल काम ये कुछ कैसी मुझे लग रहा है कुछ यहाँ पर ये क्या है, जैसे कि ये आई थोड़ा सा ये जैसे आपने लगा रखी कुछ बड़ी टाइल, ये लगी है छोटी टाइल, तो मतलब इसका क्या, मतलब ये इसका क्या कैसे कि ये दोनों अलग अलग देखा, ये जस्ट क्या होना है, ये फ्लोरिंग के नीचे छुप जानी है। जी। और जिनका ये फ्लोर है क्लाइंट का ये कहना है कि ये 2x2 कुछ टाइलें उनके पास पड़ी हुई थी तो ये हमने 2x2 की टाइल लगा दी और उसके बाद उन्होंने जो है 1x1 की टाइल मंगाई है, ये भी कमर्शियल है, ये भी कमर्शियल है, थोड़ा सा इसकी फिनिशिंग थोड़ा सा बेटर है पीस कह सकते हैं, और इसकी फिनिशिंग थोड़ा सा 19 होती है, बट ओवरऑल आप देखें तो ये जस्ट फ्लोरिंग में छुप जाना है इसको, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मिंग वगैरह बिछाई जाएगी, देन उसके ऊपर जो है वुडन फ्लोरिंग यूज होगी। तो इसमें मैटर नहीं करता कि आप 1x2 की लगा सकते हैं, 1x1 की लगा सकते हैं, 12x8 की लगा सकते हैं, आप कोई सी भी लगा सकते हैं, जस्ट कमर्शियल टाइल है। तो दोस्तों अगर आपको वुडन फ्लोरिंग लगानी है, वुडन फ्लोरिंग लगवानी है, तो जरूरी नहीं है, मैटर करता है कि कमर्शियल टाइल आपकी महंगी वाली हो, आप सस्ती वाली भी लगा सकते हैं, मार्केट में 100-120 रुपए से भी स्टार्ट है कमर्शियल टाइल की, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। और मुकेश जी, और इसके बारे में पूछना चाहूंगा, इसमें मतलब ये जो टाइल लगी हुई है तो ये भी मसाले से लगी हुई है? हाँ, ये भी मोर्टार से लगी हुई है। अच्छा, सारी मोर्टार से। ये भी मसाले से लगी, तो केमिकल से भी लग सकती है? केमिकल से भी लग सकती है, केमिकल से आप लगवा तो केमिकल थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा और मोर्टार थोड़ा सा कॉस्ट कम कर देता है, ये फर्क है। बाकी जैसे कि मैंने आपने पिछले वाले रूम में मैंने समझाया था आपको कि इसमें जो है स्क्रीडिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो स्क्रीडिंग क्या है कि एक उसमें अलग सा मतलब रोल अप्लाई हो जाता है कि जैसे पहले स्क्रीडिंग करा के दे दो, फिर उसमें लेवल 19-20 नहीं होना चाहिए। स्क्रीडिंग का कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे शायद। हाँ, तो मुकेश जी, जैसे आपने बताया कि स्क्रीडिंग वगैरह के बारे में, तो दोस्तों कई लोगों को नहीं पता होगा स्क्रीडिंग कैसे कहते हैं, तो प्लीज़ एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को भी स्क्रीडिंग कैसे करते हैं, किसे कहते हैं? स्क्रीडिंग जो है एक तरीके का मतलब फ्लोर को लेवल करना होता है। जी। अब लेवल कैसे करना होता है, एक लेवलिंग तो होती है हमारी जो वाटर लेवलिंग होती है। जी। वाटर लेवलिंग होती है, आपने कहीं कहीं मार्क कर दिया कि ये मेरा मार्जिन आ रहा है। स्क्रीडिंग ये होती है कि मान के चलिए आपने फ्लोर में जो है 3 इंच का मार्जिन आपका है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूंगा, आप इधर देख सकते हैं जैसे कि फ्लोर में हमारा ये पत्थर लग चुका है ना, ये पत्थर लग चुका है। अभी यहाँ से आप देखोगे पत्थर का जो टॉप है और फ्लोर का जो लेवल है
इससे अभी 2.5 से 3.25 इंची का मार्जिन है अभी इसमें। यहाँ से अब एक बार यहाँ से दिखाना चाहिए दोबारा जो मार्जिन है, इस मार्जिन में अगर हम ऐसे अगर केमिकल से अगर पत्थर लगाना चाहें जी, तो केमिकल इसमें जो है बहुत लग जाएगा, काफी मोटी लेयर केमिकल के आ जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, डस्ट और जीरा रोड़ी आप मिक्स कर सकते हैं, उसका मोर्टार आपने बना दे दिया 5 एक का या 4 एक का बना सकते हैं आप। तो उसका मोर्टार आपने मिला के और इसमें जो है बिल्कुल जैसा प्लास्टर एक हिसाब से होता है वो फिटिंग कर दी, लेवल में होनी चाहिए आपकी, यानी प्रॉपर लेवलिंग में उसके ऊपर जब आप पत्थर लगाओगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर लेवल में लगेगा और थिकनेस जो आएगी केमिकल की 10 से 12 के बीच, मतलब इतना जितना आप मार्जिन रखना चाहे 8 mm। दोस्तों मुकेश जी ने जो बताया, मुकेश जी ने बताया कि स्क्रीडिंग इसे कहते हैं, मसाला बिल्कुल लेवल में करके मसाले को ही कर दिया जाता है और उसमें जो फ्लोरिंग के लिए जो मार्जिन छोड़ा जाता है 10-12 mm जो भी है, तो स्क्रीडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। और अब जो स्कार्टिंग का था सर, जैसे मुकेश जी स्कार्टिंग के, तो मुकेश जी एक चीज और पूछ रही सवाल आपसे पूछना था कि जैसे कि हम स्कार्टिंग जो लगवाते हैं तो स्कार्टिंग क्या होता है कि हमारे वो उबड़ खाबड़ सी दिखती है पीओपी होने के बाद, तो पीओपी पहले होनी चाहिए या स्कार्टिंग पहले लगनी चाहिए, कैसे मतलब बताएंगे कुछ इसके बारे में। उबड़ खाबड़ होने का रीजन ये है जी कि आपकी स्टार्टिंग जो है प्रॉपर भुइयां में लगी हुई और पीओपी वाले ने या तो लेजिंग वगैरह नहीं करी हुई जी जी जी, तो वो क्या होगा कि हमारा लेवल जो है हल्का फुल्का आगे पीछे दिखाई देगा। या तो आप स्टार्टिंग पहले लगाएं, बिल्कुल प्रॉपर भुइयां में होनी चाहिए, वो सूते में होनी चाहिए, लेवल में होनी चाहिए, उसके बाद आप दीवार पे पीओपी अप्लाई करें और पीओपी जो है बिल्कुल प्रॉपर आपको भुइयां में शॉल में सूते में होनी चाहिए, तो स्टार्टिंग से बिल्कुल मैच होगी, है ना। यानी स्टार्टिंग का लेवल भी आप चेक करें और दीवार का भी लेवल चेक करें। इसके अलावा जैसे उसको लेवल में ही होगा दिक्कत करेगी, जैसे कि आप अपनी स्कार्टिंग लगाते हैं तो स्कार्टिंग भी इसी तरीके से लगाते हैं या वैसे ऐसे ही लगा देते हैं, मतलब कुछ निशान वगैरह लगाते हैं कोई प्रॉपर उसका जो है फर्स्ट का जी। आप देखेंगे जैसे मैं दीवार की तरफ आप देखना चाहूंगा, ये दीवार है जी जी, स्टार्टिंग लगाऊंगा तो मैं उस शोर पे उस कोने पे और उस कोने पे निशान लगा दूंगा फर्स्ट पे, तो बिल्कुल लेवल में सोते में जो है स्टार्टिंग रखी जाएगी और उसको केमिकल से चिपकाया जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि ये स्कार्टिंग है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्कार्टिंग लगेगी, तो मुकेश जी का कहना यह है कि भाई वहां से हम सूत और यहाँ पर पकड़ करके सूत जो होता है कलर करके लगा देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्टिंग पूरी स्टार्टिंग लगाते हैं। तो और कुछ सर इसके बारे में और कुछ बता दें कि स्टार्टिंग भाई कितने हाइट से होती है, 3 इंची, 4 इंची या 5 इंची, 6 इंची, किस हिसाब की स्टार्टिंग लगती है, साइज वो डिपेंड करता है डिजाइन पे, आर्किटेक्ट ने क्या डिजाइन दिया हुआ है जी, और क्लाइंट यानी जो घर बनवा रहे हैं जी, या क्लाइंट हो या बिल्डर हो कोई भी, उनकी उस पे पसंद पे डिपेंड करता है कि आप 3 इंची में लगवाएं, 4 इंच में लगवाएं, 5 में लगवाएं, 6 में लगवाएं। स्टैंडर्ड साइज है अपना 4 इंच नॉर्मली चलता है, 5 भी आप लगवा सकते हैं और 4.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 3 थोड़ा सा स्लिम लगती है, लुक अच्छी लगती है और ज्यादा बड़ी कर दोगे तो वो थोड़ा सा देखने में, बिल्कुल 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 3 से 4 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है, तो 4 इंच भी लगवा सकते हो, बेटर है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, और मुकेश जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपसे नॉलेज लेना भी बहुत अच्छा लगा। ये हमारे मुकेश जी है स्टोन कॉन्ट्रेक्टर, ज्यादातर काम इनके दिल्ली NCR में होते हैं, और अगर आपको भी अपने घर का काम करवाना है तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। और मुकेश जी का नंबर भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल देता हूँ, ठीक है जी। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू वेरी मच।